बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में मुकीम मेरे तमाम पाकिस्तानी भाई, जितने भी पाकिस्तानी हजरात सऊदी अरब में खारजी भाई हजरात काम करते हैं, उनके लिए एक सऊदी अरब से बहुत अच्छी खबर है मेरे भाई, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। आप सब भाइयों को पता होगा कि सऊदी अरब में 24 घंटे का कर्फ्यू चल रहा है, खासकर 9 बड़े शहरों में, जिनमें सर्रफ़रिस्त जद्दा, रियाद, मक्का, मदीना है। और कुछ इलाके तो इनमें ऐसे हैं जिनमें घर से पांव तक बाहर रखना मुहाल है, वरना आपको जुर्माना कर दिया जाएगा। तो बहुत से इलाकों में बाकी 24 घंटे कर्फ्यू है, लेकिन वहाँ आप आ जा सकते हैं किसी एमरजेंसी की सूरत में बाहर। तो कुछ भाई जो कंपनियों में काम करते हैं, उनके पास परमिट वगैरह बने हुए हैं, कंपनियों ने बना कर दिए हैं, वो 6 से 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं अभी भी कंपनी के साथ। और जो मेरे भाई अपनी दुकानें, होटल, तंदूर या बर्रा वगैरह या आज़ाद काम करते थे, उनके लिए भी भाई मैं आपको अभी तफसील बता दूंगा। तो भाई जो हजरात कंपनियों में काम करते थे, कंपनी ने परमिट दिया हुआ है, आप हजरात 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करते थे, या कुछ मेरे भाई जिनके पास परमिट वगैरह है ही नहीं है, कंपनियों ने काम परमिट वगैरह नहीं बन सका या काम नहीं है, तो वो घर पर बैठे हुए हैं इस कर्फ्यू की वजह से, तो भाई आप सब हजरात को 3 माह की सैलरी सऊदी गवर्नमेंट देगी। जी मेरे भाई, मैं आपके साथ तफसील शेयर कर देता हूँ। वज़ीरे आज़म पाकिस्तान के मामून खसूसी जुल्फी बुखारी से वीडियो लिंक पर बात करते हुए सऊदी वजीर बराए अफरादी कुवत अब्दुल्ला बिन नसीर ने ऐलान किया है कि सऊदी कंपनियां आइंदा 3 माह तक पाकिस्तानी मेहनतकशों को मुलाजमत से बरतरफ नहीं करेंगी। तमाम मुलाजमीन को 3 माह तक तनख्वाह की अदाई का सिलसिला जारी रखा जाएगा। इसके साथ साथ सऊदी वजीर का कहना था कि दिसंबर तक पाकिस्तानी मजदूरों के वीज़ों की तौसी बिल्कुल मुफ्त होगी। इसके अलावा सऊदी अरब ने इंट्री और एग्ज़िट वीज़े की मुद्दत बढ़ाने और पाकिस्तान रकम भेजने के लिए बहुत सी सहूलियात मुतारफ करवा दी गई हैं। मुआवन खसूसी जुल्फी बुखारी का भरपूर तावन की यकीन दहानी पर सऊदी वजीर का अजहार शुक्र का उन्होंने शुक्र अदा किया उसका। सऊदी वजीर से राबते के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान फ़्लाइटों की बहाली पर भी बातचीत की गई है, जो कि जल्द बहाल की कर दी जाएंगी। तो भाई मैं आपको बताता चलूँ, जो मेरे भाई कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनको ये टेंशन नहीं है आप कि 6 घंटे काम है इस हिसाब से सैलरी मिलेगी, काम नहीं है सैलरी नहीं मिलेगी, या आपको आधी सैलरी मिलेगी, काम नहीं है ऐसे वगैरह ऐसे है वैसे है। तो भाई किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 3 माह की सैलरी आपको सऊदी गवर्नमेंट देगी, वो आपकी कंपनी के साथ रब्ता करेगी, अपनी कंपनी को रिलीफ देगी, तो आपको आप हजरात को भी सैलरी खुद ब खुद टाइम से मिलेगी। और जो भाई शॉप वगैरह आज़ाद या बर्रा वगैरह या होटल या तंदूर वगैरह पर काम करते हैं, तो उनको भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ दिया जाएगा, उनकी भी मदद की जाएगी सऊदी गवर्नमेंट से। आपके साथ मैं इसके मुतल्लक मुकम्मल तफसील शेयर करूंगा जैसे ही मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन मिलेगी आज़ाद भाइयों के लिए कि क्या कुछ आज़ाद भाई जो हैं या तंदूर वगैरह, होटल वगैरह, बर्रा वगैरह अपनी दुकान पर काम करते हैं, तो उनके लिए क्या मखसूस किया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, उनको माह के 1 माह के लिए या 2 माह 3 माह के लिए क्या दिया जाएगा। तो इसके मुतल्लक जैसे को गुड इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी, मैं भाई आपके साथ वो भी शेयर करूँगा कि उन भाइयों को हर माह के हिसाब से क्या मिलेगा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि कंपनियों के मुलाजमों को तो भाई 3 माह की सैलरी के लिए आज सऊदी वजीर ने बोल दिया है कि इन कंपनी मुलाजमें जो हैं, कंपनियों में जो लेबर काम करती हैं, उनको 3 माह की सैलरी बिल्कुल मिलेगी, सऊदी गवर्नमेंट पूरा रिलीफ देगी उन कंपनियों को, तो कंपनी आगे अपने वर्कर को पूरा रिलीफ देंगी।